संभल में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अवैध शराब बनाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री से इलेक्ट्रिफाइड स्पीड से भरे 45 ड्रम बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की 2 कार भी अपने कब्जे में ले ली है। आरोपी इलेक्ट्रिफाइड स्पीड में पानी और यूरिया मिलाकर नकली शराब तैयार कर फाइटर ब्रांड के नाम से संभल और मुरादाबाद के ग्रामीणों को बेचते थे। SP यमुना प्रसाद ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री सदर कोतवाली इलाके के मुरादाबाद रोड के किनारे जंगल में बनाई गई 4 दीवारी के अंदर चलाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शराब फैक्ट्री में इन दिनों अवैध शराब बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। मुखबिर की सूचना के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अवैध शराब बनाने के लिए आरोपियों द्वारा स्टॉक किया गया 45 ड्रम रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बरामद किया है। अवैध शराब आसपास के जिलों में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही मौके से स्विफ्ट डिजायर कार और मारुति वैन भी बरामद की गई है। 45 ड्रम रेक्टिफाइड स्प्रिट की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी रेक्टिफाइड स्प्रिट में पानी और यूरिया मिलाकर नकली शराब तैयार कर फाइटर ब्रांड के नाम से संभल और मुरादाबाद के इलाकों में ग्रामीणों को बेचते थे। गिरफ्तार आरोपी संभल कोतवाली इलाके का महेंद्र उर्फ बूरा, नखासा थाना इलाके का महेंद्र और मुरादाबाद जिले मेनाठेर थाना इलाके का बिट्टू बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी मुरादाबाद के कटगढ़ थाना इलाके का नीटू चौहान और अनिल चंदा फरार है। पुलिस इन दोनों फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाँ सर, जितनी तादाद में केमिकल पकड़ा गया है और शराब बनाई जाती थी, क्या कहना है सर इस बारे में? ये केमिकल नहीं है, स्प्रिट है। अच्छा, लगभग इससे 6,000 पौधे तैयार हो सकते हैं शराब के, तो इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। ये अच्छी सफलता है हमारे लिए कि हमने इसे पकड़ा। सर, जैसे बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से काम कर रहे थे, तो अब करीब आपकी कहीं लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है क्या? सांठगांठ से चलता था ये? नहीं, ये तस्करों का काम है, ये पहली बार पकड़ा गया है। कई बार मुखबिरी मिली और कोई ऐसा पकड़ा डकड़ी में आया नहीं सामने। लेकिन आज जो कार्रवाई जो की है वो संभल पुलिस ने जो की है, लेकिन क्या आबकारी विभाग की कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस आबकारी दोनों इसमें शामिल है। नहीं सर, इतने समय से यहाँ जैसे धंधा चल रहा है, आबकारी विभाग को लगातार सूचना हो रही है, अगर ये लोग आम जनता पे जाता कितने लोग मरते, क्या होता सर आज सब? ये जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कल रात को थाना अध्यक्ष संभल को सूचना मिली कि कुछ जगहों पे एक हाता है, वहाँ पे कुछ लोग ला करके रेक्टिफाइड स्प्रिट रखे हुए हैं, जिससे वो लोग अवैध शराब बनाते हैं और बेचते हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम सर्विलांस और हमारे थाना अध्यक्ष अमित और उसकी टीम पूरी वहाँ पे गई, उन्होंने छापेमारी किया, जहाँ से 45 ड्रम शराब रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद हुए और उसमें लगभग इसी जो 2250 लीटर इसमें शराब है ये बरामद हुई। इसके साथ यूरिया और अन्य सामान भी बरामद हुए, बोतल, छोटे छोटे पौवे बरामद हुए, फाइटर ब्रांड के जो पौवे थे जिसमें ये लोग पैकिंग करके बेचते थे, और इसमें पिलखनी डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स के जो ढक्कन है वो लगा करके बेचते थे, ये बरामद हुए हैं। इसकी कीमत, अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। 45 ड्रम में जो शराब रेक्टिफाइड स्प्रिट पकड़ी गई है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। ये पूरा गैंग पकड़ा गया है। इसमें जो मुख्य रूप से पकड़े गए हैं महेंद्र सैनी उर्फ भूरा, बिट्टू और महेंद्र, ये 3 लोग मौके से पकड़े गए हैं। इनके पास से स्विफ्ट डिजायर और मारुति वैन गाड़ी मिली है, और इनके 2 अन्य साथी मौके से नीटू चौहान और बंटी और अमित चंद्रा, ये मौके से भागने में सफल रहे। इनके 2 अन्य साथी और भी थे जिनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, जल्दी उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। ये पूरा एक गैंग था जो लगातार क्षेत्र में इस तरीके का रेक्टिफाइड स्प्रिट ला करके अवैध शराब बनाता था और क्षेत्र में बेचता था। अब वो पूरा गैंग पकड़ा गया है, जिससे ऐसे ही अवैध कार्यों पर अंकुश लगेगा। ये इन्होंने बताया कि पूर्व में एक बार ये और लाए थे 1 महीना पहले, और अब ये दूसरी बार लेकर के आए हैं, यहाँ पे मुरादाबाद क्षेत्र से लेके आए थे। वो सारे नेक्सस इनके जो जहाँ से लाए हैं और जहाँ सप्लाई करें उन सभी को ट्रेस किया जा रहा है। सर्विलांस टीम और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से सभी जितने भी लोग इनमें शामिल हैं, लाने में या बेचने में या सप्लाई करने में, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इसमें सारे लोगों को टारगेट किया गया, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सप्लाई संभल जिले में करते, अन्य ये सप्लाई मुरादाबाद करते थे और संभल में करते थे।